आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री और गायिका की। इस अभिनेत्री की जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। ये अभिनेत्री अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गई थी। इसके बाद इनके पास ढेरों फिल्मों की लाइन लग गई। एक तरफ जहां इनका फिल्मी करियर काफी चमक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आ रहे थे। इनकी एक बहन जो की मशहूर अभिनेत्री थी, वह डिप्रेशन का शिकार हो गई और यह जिससे प्यार करती थी उनके पापा की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई और इन्होंने जिससे शादी की उससे 2 साल के अंदर ही इनका तलाक हो गया और जिससे दूसरी शादी की उस पति की कैंसर से डेथ हो गई। इतनी तकलीफों के बावजूद भी इस अभिनेत्री ने इन सब मुसीबतों का डटकर सामना किया। तभी इनकी एक बहन का मर्डर हो गया। तो दोस्तों, कौन थी ये अभिनेत्री, क्या हुआ था इनके साथ, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता केकाड़िया आपका अपने चैनल अंटो स्टोरी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित की। विजेता पंडित की जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। इनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहे। विजेता पंडित जसराज के संगीत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित एक हीरोइन और क्लासिकल सिंगर भी हैं। भाई जतिन और ललित हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फेमस म्यूजिक कंपोजर हैं। विजेता पंडित ने 1981 में आई फिल्म लव स्टोरी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में विजेता के अपोजिट अपने समय के लीजेंडरी स्टार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव थे। लव स्टोरी कुमार गौरव की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और इसके साथ ही विजेता और कुमार गौरव की जोड़ी को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला था। लव स्टोरी की शूटिंग के दौरान विजेता और कुमार गौरव रियल लाइफ में भी करीब आ गए। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। कुमार गौरव ने विजेता से शादी का वादा भी किया था। हालांकि किसी को यकीन नहीं था कि पिता के विरोध के सामने हार मानकर कुमार गौरव विजेता के साथ अपने रिश्ते को तोड़ देंगे। कुमार गौरव ने विजेता से शादी करने से मना कर दिया। इससे विजेता को गहरा धक्का लगा। लव स्टोरी के सक्सेस के बाद विजेता के पास फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन उन्होंने किसी भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को वक्त देना चाहती है। दरअसल वह कुमार गौरव से ब्रेकअप के चलते काफी परेशान थी। इससे उबरने के लिए उन्होंने 4 साल तक फिल्मों में काम नहीं किया और 1984 में कुमार गौरव ने दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से शादी कर ली। प्यार में इतना बड़ा दर्द झेलने के बाद उन्होंने अपने करियर पर फोकस किया और फिर 1985 में मोहब्बत मिसाल और जीते हैं शान जैसी फिल्मों से शानदार कमबैक किया। उन्होंने तकरीबन 15 फिल्मों में काम किया, जिनमें मोहब्बत, कार थीप, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, चलचला जैसी फिल्में शामिल हैं। विजेता ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि लव स्टोरी के बाद उनको ज्यादातर फिल्में कुमार गौरव के साथ ही ऑफर हुई, लेकिन विजेता ने निजी कारण बताकर कुमार गौरव के साथ काम करने से मना कर दिया था। हालांकि विजेता को इस बात का अफसोस भी रहा कि ना तो उनका करियर चल पाया और ना ही प्यार। इस इंटरव्यू के दौरान विजेता ने अफसोस जाहिर किया कि काश उन्होंने उस वक्त अपने करियर पर ध्यान दिया होता। कुमार गौरव से रिश्ता टूटने के बाद विजेता की जिंदगी में डायरेक्टर समीर मलकान की एंट्री हुई। समीर मलकान के साथ विजेता ने फिल्म कार थीफ में काम किया था। इसी फिल्म के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने 1986 में शादी कर ली, लेकिन दोनों की ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और 2 साल में ही दोनों का तलाक हो गया। करीब 4 साल बाद विजेता की जिंदगी में प्यार ने फिर दस्तक दी। उन्होंने म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव से साल 1990 में शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे अवितेश श्रीवास्तव और अनिवेश श्रीवास्तव हैं। शादी के बाद विजेता ने एक्टिंग छोड़ दी और सिंगिंग में भी किस्मत आजमाई। उन्होंने जो जीता वही सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, साजिश, देव, चिंगारी जैसी फिल्मों में भी सिंगिंग की।
उन्होंने 2007 में अपना कमबैक पॉप एल्बम प्यार का इजहार रिलीज किया, जिसमें उन्होंने फेमस सिंगर सोनू निगम के साथ अपनी आवाज दी थी और इसका निर्देशन उनके पति आदेश ने ही किया था। अधूरे प्यार और असफल शादी के बाद विजेता अपने दूसरे पति आदेश श्रीवास्तव के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं था। साल 2010 में सब कुछ बदल गया। आदेश को मल्टीपल माइलोमा नाम का कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिससे वो 5 साल तक जूझते रहे। 2015 में आदेश की हालत में कोई सुधार नहीं आया और उनका 51 साल की उम्र में निधन हो गया। आदेश की मौत से विजेता टूट गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने आदेश की मौत पर कहा था, आदेश की मौत के बाद मैं काफी अकेली और डिप्रेस्ड हो गई थी। इसके अलावा मुझे आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ी, लेकिन मैंने किसी से मदद नहीं ली। मेरे पति भी जब बीमार थे तब भी उन्होंने कभी किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं ली। वो मुझे रानी की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन जब वो बीमार पड़े तो हमारे सारे पैसे उनके इलाज में खत्म हो गए। आदेश को यहाँ तक हमारी कार भी बेचनी पड़ी, जो कि 1 करोड़ रुपए में बिकी थी, ताकि हम उनके इलाज के लिए लंदन, अमेरिका और कनाडा जा पाएं। इसके बाद मुझे अपनी कार भी बेचनी पड़ी, जो कि आदेश ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट दी थी। विजेता की बहन सुलक्षणा पंडित एक जानी मानी हीरोइन है। वह संजीव कुमार से बेहद प्यार करती थी, लेकिन संजीव कुमार के ना करने के बाद वह डिप्रेशन का शिकार रहने लगी। विजेता की लाइफ में इतना सब हो रहा था कि इसी बीच उनकी दूसरी बहन संध्या सिंह के लापता होने की खबर आई, जिससे वह पूरी तरह टूट गई। कहा तो ये भी जाता है कि संध्या का मर्डर हो गया था। इन सब से विजेता और टूट गई, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी और इस मुश्किल समय का डटकर सामना किया। विजेता ने एक इंटरव्यू में कहा था, अपने जीते जी मेरे पति ने किसी से आर्थिक मदद नहीं ली और ना ही मैं ऐसा करूंगी। मुझे आदेश के बनाए म्यूजिक की रॉयल्टी मिलती है, जिससे मैं अपना घर चला सकती हूँ। 2021 में विजेता ने कहा कि वो बॉलीवुड में फिर से कमबैक करना चाहती हैं। तो दोस्तों, विजेता पंडित के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।